डियर स्टूडेंट्स माएसर डॉक्टर मनीषा माथुर एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट अभी तक हम पढ़ रहे थे सिम्टम्स ऑफ द डिज़ीज़ फंगल डिजीजेस पढ़ा हमने वायरल डिजीजेस पढ़ा बैक्टीरियल डिजीजे के बारे में पढ़ा देन वी स्टडीड अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस आज हम लेंगे कैमरा ल्युसिडा ड्राॅइंगस के बारे में कैमरा लुसीडा इन लैटिन द वर्ड कैमरा ल्यूसिडा मीन्स लाइट चेम्बर ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको 1806 में विलियम हाइड बॉल्सटन ने पेटेंटेड कराया था किस लिए काम में लिया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट टू डू द एक्यूरेट स्केचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की एक्यूरेट जो ड्राइंग होती है उसको बनाने के लिए कैमरा लुसिडा का इस्तेमाल करना पड़ता है दीज ड्राइंग्स ये जो ड्राइंग्स हैं ये पेपर पे करी जाती हैं शार्पन लेड पेंसिल की हेल्प से और इसके अंदर जो कैमरा लुसिडा की जो ड्राइंग्स होती हैं द स्केच मच मोर एक्यूरेट कैमरा लुसिडा से होने करने वाली ड्राइंग्स जो होती हैं एक्यूरेट ड्राइंग्स होती हैं और जो रिलेशनशिप होता है वेरियस कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट के वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है या अपन कह सकते हैं द स्केच टू द स्केल और वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ अ मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ऑन द स्लाइड जो कैमरा लुसिडा है इट कंसिस्ट ऑफ अ फोर साइडेड प्रिज्म और ये जो प्रिज्म है इट इज माउंटेड ऑन अ स्मॉल स्टैंड अबव अ शीट ऑफ पेपर और अपन अपनी जो आईज होती हैं उनको अपर एज ऑफ द प्रिज्म के ऊपर रखते हैं और अपना हाफ जो प्यूपल होता है आई का इट इज ओवर द प्रिज्म और द ऑब्जर्वर इज एबल टू सी अ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द प्रिज्म अब जब ये रिफ्लेक्टेड इमेज नज़र आती हैं तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल अब जो ओरिजिनल कैमरा लुसिडा था जो इनिशियली जो कैमरा लुसिडा डिस्कवर किया गया था इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म द कैमरा लुसिडा वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फोकस प्रॉपरली और एक लेंस को ऐड किया था बिटवीन द प्रिज्म एंड द पेपर फिर उसका एक अलग नेक्स्ट डेवलप्ड वर्जन डेवलप हुआ 1880 में जिसमें माइक्रोस्कोप भी अटैच था डायगनल मिरर्स भी अटैच थे और ट्रांसपेरेंट मिरर तो अबव माइक्रोस्कोप था और दूसरा जो मिरर था वो शॉर्ट डिस्टेंस अबव द पेपर था पेपर के ऊपर थोड़ी दूर पे दूसरा मिरर लगा हुआ था तो ये है ओरिजिनल वाला कैमरा लुसिडा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये अपनी आई का प्यूपल है ये इधर प्रिज्म है राइट हैंड साइड पे लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से इधर ऑब्जेक्ट है लाइट फ्रॉम द पेपर और लेंस जो है ये ऑब्जेक्ट और पेपर सेम अपरेंट प्लेन के ऊपर ला के खड़ा करता है तो ये पुराना वाला कैमरा लुसिडा का डायग्राम है अब अब जो नया वाला जो कैमरा लुसिडा है इट इज़ अटैच्ड विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो कैमरा लुसिडा व्हेन अटैच्ड विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स ड्राइंग द माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन पेपर और ये जो कैमरा लुसिडा है इट वर्क्स ऑन सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड अ प्लेन मिरर तो जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है ऑब्जेक्ट की वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर के ऊपर और उस प्लेन मिरर से ये इमेज जो होती है वापस रिफ्लेक्ट होती है पेपर के ऊपर

देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ कैमरा लुसिडा कैमरा लुसिडा के तीन पार्ट्स हैं मेन यापन कह सकते हैं अ कैमरा लुसिडा कंस असेंशियली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज एन एडजस्टेबल रिंग एडजस्ट एडजस्टेबल रिंग भी कह सकते हैं इसको अटैचमेंट रिंग भी बोल सकते हैं एन एडजस्टेबल रिंग और अटैचमेंट रिंग इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस रिंग को अटैचमेंट रिंग यहाँ पर लेबल्ड है फर्स्ट पार्ट इज़ एन एडजस्टेबल रिंग और अटैचमेंट रिंग ये जो रिंग है इट अटैच द कैमरा लुसिडा विद द बॉडी ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप ये जो अटैचमेंट रिंग है ये माइक्रोस्कोप से अटैच हो जाती है इट कैन बी फिटेड टू द ट्यूब ऑफ़ एनी माइक्रोस्कोप ये किसी भी माइक्रोस्कोप की ट्यूब में फिट हो जाती हैं दिस इज डन बाय फर्स्ट रिमूविंग द आई पीस पहले माइक्रोस्कोप का आई पीस रिमूव करते हैं हम फिर इस रिंग को अटैच करते हैं फिटिंग द रिंग एंड देन री इंसर्टिंग द आई पीस इन टू द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप तो पहला पार्ट जो है कैमरा लुसीडा का वो है एंड एडजस्टेबल रिंग और वी कैन से अटैचमेंट रिंग दिस इज क्लियरली सीन इन दिस डायग्राम सेकेंड पार्ट इज द प्रिज्म ये भी आपको नज़र आ रहा है आई पीस के ऊपर प्रिज्म द प्रिज्म हेड कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म फिटेड इन सच अ मैनर दैट इट कम्स टू द कम्स टू लाई एग्जैक्टली अब द आई पीस एग्जैक्टली आई पीस के ऊपर ये प्रिज्म अटैच रहता है द स्ट्रक्चर ऑन द स्लाइड कैन बी व्यूड थ्रू दिस प्रिज्म जो स्लाइड नीचे जो स्लाइड है उस पर जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रिज्म के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं द ऑब्जर्वर नाउ व्यूज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप थ्रू द प्रिज्म और ये जो प्रिज्म है इट रिफ्लेक्ट्स द इमेज हॉरिजोंटली ऑन टू द्लेन मिरर ये सामने हमको यहाँ पर मिरर नज़र आ रहा है ये जो प्रिज्म है ये जो ऑब्जेक्ट हम नीचे देख रहे हैं स्लाइड पे उसकी इमेज को इस मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है इट रिफ्लेक्ट्स द इमेज हॉरिजोंटली ऑन टू द्लेन मिरर थर्ड पार्ट है द प्लन मिरर ये हमको यहाँ नज़र आ रहा है प्लन मिरर द प्लन मिरर रोटेट्स एंड इज सेट एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ये जो प्लेन मिरर है ये रोटेट कर सकता है और इसको हम फोर्टी फाइव डि डिग्री एंगल पर सेट करते हैं प्रिज्म के अकॉर्डिंग और प्लान पेपर के अकॉर्डिंग सो दिस इज़ द डाइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैमरा ल्यूसिडा स्टूडेंट्स यू कैन ड्रॉ दिस डाइग्राम If the question comes on camera lucida, you can draw this diagram. Okay? अब humne वापस उस पर आते हैं तीन main जो part the attachment ring, prism और mirror. दो अटैचमेंट रिंग हमने पहले भी बताया था कि इट कनेक्ट्स attaches द कैमरा लुसिडा विद द बॉडी ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप फिर second प्रिज्म है द प्रिज्म rests जस्ट अबव द आई अब ऑब्जरवर जो है वो ऑब्जेक्ट को व्यू करता है थ्रू द प्रिज़्म और ये जो प्रिज्म है ये उसकी इमेज को हॉरिजॉन्टली रिफ़्लेक्ट करता है प्लेन मिरर पर और प्लेन मिरर रोटेट करता है और फोर्टी फाइव डिग्री इस एंगल को याद रखना कि प्लेन मिरर फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर सेट होता है और फिर इसमें से देख के इसके अंदर से देख के आई पीस से देख के होल फॉर ऑब्जर्विंग द इमेज यहाँ से देख के हम आइज से तो देख रहे हैं और हाथ से ड्राइंग पेपर पे जो हमको इमेज नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट की उससे हम डायग्राम बनाते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट कैमरा लूसीडा तो कैमरा लुसिडा से हम ऑप्टिकल उप, हेल्प से ऑप्टिकल हेल्प से एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हैं एंड द ड्राॅइंग विच इज मेड इज टू द स्केल या अपन कह सकते हैं इट इज़ अ मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्लाइड और जो मैग्निफिकेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव यूज सो दिस इज ऑल अबाउट कैमरा लुसिडा ओके